आज जो हमारे पास फोन आया है उसमें प्राइस के हिसाब से सब कुछ है क्रेजी छह हजार एम एच की बिग बैटरी सेवेंटी स्मूथ डिस्प्ले डायमेंसिटी चिपसेट क्या बात है मीडियो आठ मेगा चौबीस जीबी रैम दो सौ छप्पन जीबी स्टोरेज wait, 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 wait. अभी और है रुको जरा सब्र करो सीरे स्पीकर है एन एफ सी है ये सारी चीजें नाइनटीन ट्रिपल नाइन में कार्ड डिस्काउंट लगा के सेवेंटीन ट्रिपल नाइन में ओनली ये टेक्नो का टेक्नो पोवा सिक्स प्रो फाइव जी ऑन पेपर के हिसाब से तो भाई एकदम तो कड़क माल लग रहा है लेकिन क्या रियल में होगा लेट्स फाइंड आउट सो आज इस वीडियो में हम इस फोन का अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू करेंगे एंड ऑफ द कैमरा भी हमने इस फोन फोन को टेस्ट किया तो फोन कैसा है कैसे परफॉर्म करता है कैसा कैमरा है डिस्प्ले कैसा है पे रो गेमिंग कर सकते हैं या नहीं मतलब परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में फटाफट से बॉक्स को खोल लेते हैं क्योंकि नए नए फोन को खोलने में जो मजा आता है ना कहीं नहीं आता भाई हैप्पी बर्थडे टू यू क्या बात है और ये खुल गया ओ भाई के साइड में ही फोन दे रखा यार पैकेजिंग काफी अच्छी कर रखी है यार आहा 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 ओ भाई क्या बात है ओह माई गॉड साइन को देखो भाई फैन बन जाओगे फिर अभी बात करेंगे इसके बारे में अंदर में क्या असली माल है भाई वो देखते हैं ओके तो ये, तो ये मंथ वारंटी कार्ड है इसके अंदर क्या बात है भाई कवर भी है ये ट्रांसपेरेंट है ये देखो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है और यहाँ पर ये सिलिकन दे रखा है भाई सच ये चीज बहुत अच्छा लगा प्रीमियम क्वालिटी का आपको कवर दे रखा है जरिए अगर आप देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक चीप क्वालिटी का टीपीयू केस दे देते हैं बट इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है यार बाकी ये देखो भाई एकदम राजा की तरह बैठा हुआ है इससे मैं जेक्टर उसके अलावा टाइप

मुझे इसका डिजाइन वाइब बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा हटके यूनिक सा आपको डिजाइन दे रहा है यहाँ पर टेक्नो इसका ये जो डिजाइन है ये आर्क इंटरफेस डिजाइन है एंड ये इंस्पायर्ड है मदरबोर्ड से इसका जो बैक है ये फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस से बना है जो मदरबोर्ड बनाने में यूज किया जाता है बैक देखने में काफी हद तक मदरबोर्ड जैसा लग रहा है भाई वैसे इसका जो बैक है पॉलीकार्बोनेट है

कभी कभी तो लगता है अपनिष भगवान है जो अगर मैं बैटरी की बात करूं, 6000 हजार mm बैटरी होने के बावजूद भी, भी. टेक्नोलॉल ने इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो काफी अच्छा कर रखा है मतलब इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता छह हजार एमएच बैटरी के साथ जनरली आपको 220 ग्राम 15 ग्राम के आसपास वेट देखने को मिलता है और थर्टीन हंड्रेड की पीक ब्राइटनेस है और नाइन एट पॉइंट थ्री परसेंट का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं एमलेट है वन ट्वेंटी हर्ट स्मूथ है हाई पीडब्लू एम डिमिंग फ्लिकरिंग वगैरह कम होगा अगर मैं स्मूथनेस देखो देखो भाई स्मूथ भी है डिस्प्ले यार। डिस्प्ले तो भाई कलर्स आपको बढ़िया मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है डी ब्लैक आपको नोटिस होते कोई देखते हो आपको, आपको देखने को मिलते हैं अगर यूट्यूब प्ले करते हो तो भाई, पे आप कलर्स की बात करो क्या पिक्चर यार क्या बात है डिस्प्ले देखो भाई स्क्रीन टू बॉडी बहुत ही बढ़िया लगा साइड बेजे ऑलमोस्ट ना है बहुत ही मिनिमल है ऊपर थोड़ा सा आपको बेजेस देखने को मिल जाएगा नीचे में भाई एवरेज से कम

एक सेकेंड टूटा तो नहीं कुछ नहीं हुआ भाई इसके डिस्प्ले में एक स्पेशल फंक्शन फीचर है ये देखो ये रहा स्पेशल फंक्शन यहाँ पे अगर आप जाते हो ये देखो यहाँ से आप इसको डायनेमिक पोर्ट ऑन कर सकते हो मतलब डायनेमिक आइलैंड इसमें है मतलब कॉल आने पे नोटिफिकेशन आने पे मैसेज करने पे फोन चार्जिंग पे लगाओगे या फिर आप फेस अनलॉक यूज करोगे तब वहाँ पे डायनेमिक पोर्ट आपको दिखाएगा ये देखो फ्लोटिंग विंडोज फीचर है स्लाइड करके आप क्विकली अपने फेवरेट एप्स को एक्सेस कर सकते हो बढ़िया यार ये फीचर काम की भी है एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग लगे देखो भाई मल्टीडास्किन कर रहे हो यहाँ पर देखो आपको कुछ हाइड करना यहाँ पे क्लिक करोगे ये देखो भाई इसको ब्लर कर सकते हो

3.5 का गड्ढा है क्या बात है 3.5 का गड्ढा देख के जो खुशी मिलती है ना आप तो जानते ही है बाकी यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है और ये भी स्पीकर दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम स्लॉट दे रखा है सिम स्लॉट चेक तो कार्ड लगा सकते हो हाईब्रिड सिम स्लॉट है ये एक बार स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं इसका ये फुल कर दिया हाँ भाई सीरियस स्पीकर है एंड अच्छी बात है डॉल भी एटवो सपोर्ट भी इसमें एंड स्पीकर टेस्ट करू भाई मोए मोए अच्छा ये लगा भाई स्टीरियो स्पीकर है स्पीकर की साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी लाउड इनफ है टाइप करके हैप्टिक वाइब्रेशन चेक करते भाई क्या बात है यार हैप्टिक वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा यार मतलब जो वाइब्रेशन भाई ज्यादा हार्ड भी नहीं है ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है मिड का है तो अच्छा एक्सपीरियंस है भाई हैप्टिक का एक सौ आठ मेगा पिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो मेन कैमरा वो एक सौ आठ मेगा पिक्सल का है टू मेगा पिक्सल माइक्रो है और एक ए आई कैमरा है और थर्टी टू मेगा पिक्सल की ए आई सेल्फी है इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसमें नहीं है लेकिन जो एक सौ आठ मेगा पिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो मेन कैमरा है इससे मैं कुछ फोटोज लेके देखे थे भाई इसके कैमरा को हमने ऑफ द कैमरा भी टेस्ट किया और जो फोटोज निकल के आए वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था जो मेन कैमरा एक सौ आठ मेगा का इससे भाई हाई क्वालिटी फोटोज आते हैं और, और, और फोटोज में आपको जो व्हाइट बैलेंस है जो कलर है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है इसका कैमरा कैमरास हाँ, नहीं है लेकिन जो फोटोज निकल के आते हैं ना भाई उसमें डिटेल्स बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिल जाता है एच अच्छे देखने को मिल जाता है क्लोजअप में डिटेल्स बहुत अच्छे दे देता है और पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं तो वहां पर एजेस वगैरह ठीक ठाक डिटेक्ट कर लेता है बाकी जो सेल्फी है इसे हमने कुछ फोटोज लिए भाई इंडोर आउटडोर में एंड सेल्फी भी मैं कहूंगा अच्छे निकल के आते हैं है डी आप सेल्फीज कह सकते हो बाकी अगर आप फोटो में जाके देखते हो तो यहाँ पर आपको दो मोड मिल जाते वन एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स जो है ये इन जूम सेंसर है और इससे हमने कुछ फोटोज देख देखे थे भाई सच बताओ मजा आ गया थ्री एक्स अगर आप कोई फोटोज देखते भाई वहां पर आपको डेप्थ बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है बाकी अगर आप वीडियो फीचर की बात करते हैं ये देखो डूल वीडियो मोड है रियर कैमरा सेल्फी कैमरा दोनों यूज कर सकते हो ओके वीडियो में भाई आपको ईआईएस मिल जाता है क्या बात है और टू के थर्टी एफ एस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और टेन एटी पी थर्टी एफ एस पे आपको ई आई एस मिल जाता है और सामने मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ जो इसी फोन के रियर कैमरे से रिकॉर्ड की गई है आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करता है? ओहो, फ्रंट में भी two के thirty fps है। ओहो भाई, ये तो सोचा नहीं था। इस प्राइस में आपको जितने फोन मिलते भाई सारे ten eighty वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये two के thirty fps रिकॉर्ड कर लेता है। तब ऐसे व्लॉग कर सकते हो हाई व्लॉग। बाकी पोर्ट्रेट मोड है इसमें सुपर नाइट मोड है और मोर में जाते हो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं स्लो मोशन टाइम लैप स्काई शॉप प्रो मोड है ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एक और सेल्फी में जाते हो फ्लैश लाइट क्या बात है देखो फ्लैश लाइट भी है सेल्फी में ये व्हाइट गया ये कोल्ड लाइट हो गई ये डिफॉल्ट हो गया और ये वार्म लाइट बढ़िया चीज है फ्रंट में डूल टोन एलईडी फ्लैश भी है मतलब अंधेरे अंधेरे में अगर आपको लेनी है सेल्फी वगैरह लाइट में कहीं जाते हो लाइट नहीं है तो वहाँ पर आप मस्त व्हाइट सेल्फीज ले सकते हो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की जिसके लिए आई आई नो नो आई नो आप सबसे ज्यादा

देखने आयो इसमें गेम प्ले करने से पहले पहले भाई अटेंडेंस वो जो नीचे लाइक बटन है देखो साइड में दिख रहा होगा हाँ हाँ हा, वही 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 आ, तो आ दिया। क्या बात है ये हुई ना बात अब करते हैं पीरो गेम प्ले साइड करते हैं ओह क्या बात है भाई हाई बूस्ट गेमिंग मोड भी इसमें मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज या फिर बैलेंस कर सकते हो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए देखो पीरो सीपीयू जीपीयू ये फास्ट कर देगा इवन मैं आपको ग्राफिक्स भी इसके पहले दिखा देता हूँ भाई स्मूथ ऑप्शन है बैलेंस है एच HD है एच नहीं है स्मूथ अल्ट्रा ऑप्शन है मतलब भाई एफ पी एस फोर्टी एफ पी एस के आसपास आपको ये गेमिंग दे देगा तो लेट्स गो पीरो गेम प्ले करने के लिए ओके भाई ग्राफिक्स डिसेंट सीन से मतलब एक सत्रह अठारह हजार के हिसाब से आपको डीसी से ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं दादा प्रदादा सबका बदला लेगा तेरा ये मनोज सारू पीरो गेम प्ले से हेलो दादा ठीक है भाई गेम प्ले अगर आप इसमें करना चाहते हो तो गेमिंग कर सकते हो वैसे तो डिवाइस ये हीट तो नहीं रहा लेकिन अच्छी बात है कि इसमें वीसी कूलिंग भी है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक बार जायरो चेक कर लेते हैं भाई है या नहीं ये जायरो में हम गए ओके ऑलवेज ऑन ऑन करते है। ठीक है भाई जायरो है इसमें और अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूँ देखो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ठीक है भाई रिस्पॉन्स भी अच्छा है ये देखो ओके इसके अलावा ना इसके परफॉर्मेंस को हमने ऑफ द कैमरा भी टेस्ट किया मल्टीटास्ककिंग किया एक दिन पूरा यूज करके देखा और इसके अलावा बहुत देर तक हमने इसमें गेमिंग भी करके देखा परफॉर्मेंस

ट्रिपल लाइन एक्चुअल दो सौ रुपए का बैंक डिस्काउंट है तो 17 में आप इस फोन को बाई कर सकते हो और बारह जीबी दो सौ छप्पन जीबी वालांटीन ट्रिपल लाइन में बाई कर सकते हो प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है यहाँ पर ने। तो एक 17 में बहुत सारी चीजें है जो हटके दे रहा है जैसे की डिस्प्ले और डिस्प्ले की क्वालिटी हमें में बहुत अच्छी लगी एक अच्छा सा सेटअप एक अच्छी परफॉर्मेंस एंड जो सबसे बेस्ट चीज मुझे इस फोन में लगा जो स्टैंड आउट करता है छह हजार बैटरी के साथ